इन मेमोरी कैपेबिलिटीज, ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें इन मेमोरी ऑपरेशंस, उसमें कंप्यूटिंग पावर, उसकी प्रोसेसिंग पावर, बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना वो काउंट किए जाते हैं। ये एक मिडलवेयर सॉफ्टवेयर के तौर पे भी जाना जाता है जिसका काम होता है स्टोर करना डाटा रैम के ऊपर, क्लस्टर कंप्यूटर्स के ऊपर पैरेलल। इन मेमोरी कैपेबिलिटीज के अंदर इस टर्म कुछ कुछ इस तरह भी कंसिडर किया जाता है, ऑपरेशनल डाटा सेट टिपिकल स्टोर इन द करेक्ट सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस विच यू कैन नाउ स्टोर इन कनेक्टेड रैम अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स। मीन के एक कंप्यूटर के ऊपर अगर सपोज 2 GB रैम है, तो अगर आप पास 10 सिस्टम लगे हुए हैं नेटवर्क के ऊपर, तो 2 GB जो है ना तकरीबन सबके ऊपर होगी। उसमें से अगर 1 GB रैम जो है ना वो यूटिलाइज कर रहा है सिस्टम आपका, तो ये भी आपकी इन मेमोरी कैपेबिलिटीज के अंदर आती है। जो सॉफ्टवेयर, जो भी मिडलवेयर सॉफ्टवेयर होगा, वो इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को यूटिलाइज करेगा। अब जैसा कि हम थोड़ा सा पहले देख चुके हैं कि रैम जो है साथ ही रैंडम एक्सेस मेमोरी को भी जो है ना कैशे के तौर पे यूज किया जाता है, इन मेमोरी के तौर पे यूज किया जाता है, और इसी तरीके से हार्ड ड्राइव, जो नॉर्मल हार्ड डिस्क है, स्पिनिंग हार्ड ड्राइव, उसको भी एज ए रैम, एज ए इन मेमोरी के तौर पे यूज किया जाता है। और सेम इसी तरह सॉलिड डिस्क स्पेस डिवाइसेस जो होती है उसकी स्पेस को भी इसी तरीके से यूज किया जाता है। लेकिन इनकी जो स्पीड, परफॉर्मेंस, जो कंप्यूटिंग पावर है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। अब जो स्पिनिंग डिस्क होती है उसके मुकाबले के अंदर जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो तकरीबन कोई 5000 टाइम फास्टर होती है। सेम उसी तरीके से सॉलिड डिस्क स्पेस है, इसको भी एज ए जब रैम यूज किया जाता है तो ये इसकी जो स्पीड है ये भी स्पिनिंग डिस्क स्पेस से काफी ज्यादा फास्ट होती है। और जो प्रोसेसर